नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक इकाई का अंग ज्ञात करना, ठीक है। उसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने बताए थे और क्लियर किए थे। दो कॉन्सेप्ट हमारे छूटे हुए हैं जो मुझे बताने हैं अभी, कि जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। देखिए, मैंने बताया था कि घातों में चार से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, मींस जब घातांकीय संख्या दो, घात वाली संख्या दी हो उसमें इकाई का निकालना होता था हमें, तो मैंने बताया था जो घात दी हुई होती है उसको हम चार से डिवाइड करते थे और जो शेषफल आता था उसमें दी हुई संख्या के इकाई के अंक में घात लगा देते थे, और मल्टीप्लाई करना होता तो मल्टीप्लाई करते थे, ऐड करना था तो ऐड करते थे, और माइनस करना था तो हम लोग माइनस करते थे, और जो भी आंसर हमारा आता था हमको इजीली पता चल जाता था कि इकाई का अंक हमारा क्या है। तो अभी देख लीजिए, आपको पता ही है कि घातों में चार से भाग देने पर जब शेषफल हमारा एक आता है, ठीक है, तो इकाई के अंक पे एक पावर लगा देते हैं, दो आता है तो इकाई के अंक पे दो लगा देते हैं, तीन आता है तो तीन लगा देते हैं, चार आता है तो चार लगा देते हैं। लेकिन आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ रखा है कि अगर मान लो किसी की घात, मतलब किसी भी अंक पे घात अगर हम जीरो लगाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए सात की पावर जीरो करेंगे तो वन हो जाएगा, तीन की पावर जीरो करेंगे तो वन हो जाएगा। लेकिन ये जो हम इकाई का अंक निकालते हैं इसमें कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वन जो है वो नहीं आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बात ध्यान देने वाली यही है कि जब भी हम चार से डिवाइड करेंगे और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी पावर हम लोग जीरो ना रख करके सीधे क्या रख देंगे, चार रख देंगे, ठीक है, तभी हमारा आंसर इकाई का अंक है वो एकदम सही सही आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है कि 13 की पावर 172 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। इकाई का अंक इसमें क्या है, 13 में इकाई का अंक हमारा 3 है, लिख लिया, ठीक है। अब जो घात दी हुई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 172 दिया हुआ है, 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, 4 टाइम्स जाएगा 16 आएगा, 1 बचेगा 2, 3 टाइम्स जाएगा 12 हो जाएगा, और हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखिए, पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब यहाँ पे घात कितनी आनी चाहिए, 0, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, हम लोग यहाँ पे रखेंगे 4। जब भी 4 से घात को डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम घात में ऊपर घात में 0 नहीं रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 4 टाइम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 27, ठीक है, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का 7 से 21 होगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का, 6 और 2 और 81 आ जाएगा, ठीक है। अब 81 हमारा जब आ गया तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया भाई, साफ साफ हमको दिख रहा है कि इसमें हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा आंसर क्या कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा मतलब इकाई का अंक हमारा जो निकल के आएगा वो 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, 1 आता है तो 1 रखेंगे, 2 शेष बचता है तो 2, 3 बचता है 3, 4 बचता है तो 4 घात में लगा देंगे, ये जितना भी शेष बचता है। लेकिन जब 0 बचेगा मींस पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 हम पावर में न लगाकर सीधे पावर में 4 ही पुट कर देंगे और हमको आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही कॉन्सेप्ट मेन है आपका, जो मैंने नोट करके ये लिखा है कि घातों में 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसमें 0 का क्या खेल है। जब हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो हम घात में 0 ना रखकर 4 लगाएंगे पावर में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 57 की पावर 25 माइनस 1, तो इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिए 57 है, इकाई का अंक हमारा इसमें क्या है, 7 है, तो 7 लिख लिया, ठीक है। 7 की पावर कितनी है, 25 है। अब 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना 6 टाइम जाएगा, 24 होगा, और हमारा शेष कितना बचेगा, 1, मतलब शेषफल हमारा कितना बचा, 1, तो पावर कितनी लगा देंगे, 1, माइनस क्या है हमारा, 1, 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अभी मैंने बताया 1 होगा तो 1 लगाएंगे, 2 होगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 होगा तो क्यूब कर देंगे, तो यहाँ पे शेषफल हमारा 1 बचा, तो पावर हमने 1 लगा दी 7 की, ठीक है, और 7 की पावर 1 7 और ये माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 6, तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारा माइनस का हो गया,
ठीक है, ये हमारा सिंपल एक ही संख्या में जो घात दी हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्लस वाला देख लीजिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन वाला है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, कल मैंने बताया था इससे कि, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड होने वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको लोगों को समझ में आए। कल जो मैंने मल्टीप्लीकेशन वाले करवाए थे उसमें पूरा पूरा डिवाइड वाला जो था घात वो नहीं थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सात है, ठीक है, सात हमने लिख लिया, इकाई का अंक हमने सात लिख लिया, ऊपर अट्ठाईस है। अब अट्ठाईस को जब हम चार से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, चार सात से अट्ठाईस, ठीक है। तो आपको रखना चाहिए सात की पावर जीरो, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जब भी जीरो हमारा बचे पूरा पूरा डिवाइड है तो हमको जीरो नहीं रखना है पावर में, हमको क्या रख देना है, चार रख देना है। तो हमने क्या रख दिया, चार इंटू यहां पे क्या है थ्री, ठीक है। अब थ्री बार 48 को चार से भाग करेंगे, ये भी 12 टाइम्स जाएगा, 12 चौक 48, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहां भी तीन की पावर हम लोग क्या लिखेंगे, चार लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए, आप देखिए सात को चार बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना, सात का क्यूब कितना होता है 343 होता है, सात का क्यूब जो होता है वो कितना होता है 343 होता है। अब इसमें सात से और मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 7 × 21, ठीक है। अब हमको इकाई के अंक से मतलब है, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं है फर्जी का, ठीक है। तो 7 × 21 बाकी जो भी संख्या आएगी उससे कोई लेना देना नहीं, हम निकाल उससे भी सकते हैं, पूरा ऐड गुणा है तो गुणा करके, ऐड है तो ऐड करके, माइनस है तो माइनस करके, लेकिन हमको इकाई के अंक से मतलब है क्योंकि इकाई के अंक का ही गुणा करना है। तो हम सीधे 7 × 21 आएगा, एक हमको यहां मिल गया तो हमने सीधे एक लिख लिया, इकाई का अंक मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 और 81 हो जाएगा, यानी 81 हो जाएगा। मतलब 3 × 4 जो होती है कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, एक है, एक इंटू एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, एक हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इकाई का अंक लेना, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवाइड हो, सॉरी ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, ठीक है, सिंपल। अगर आप पूरा सॉल्व करिए, देखिए 7 × 21 का एक, 7 × 4 = 28, 28 × 2 = 30 का जीरो, हासिल 3 आया, 7 × 21 = 21, 3 = 24। अब देखिए 24 × 0 हो गया, एक आ गया, और 3 × 84 81 आ गया, तो मल्टीप्लाई 81 करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पर भी 24 × 1 है, यहाँ पर 81 है, ठीक है, जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में हमारा एक ही आएगा। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे सिंपल इकाई का अंक लेके सॉल्व कर लीजिए तो ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम वही आना है दोनों तरीकों से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, प्लस में दिया। अब देखिए इसमें भी हमारा क्या है, 100 की पावर, देखिए इकाई का अंक हमारा क्या है, 8, ठीक है, 8 है, ठीक है, और हम दिया क्या है, घात में दिया है 100, यानी 100। अब 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स जाएगा और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम पावर जीरो रख के क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। बीच में हमारा प्लस है तो हमने प्लस कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 547 है, इकाई का अंक क्या है हमारा, 7 लिख लिया, पावर क्या लगाएंगे, ये देखिए 84 भी हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जब 84 भी हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी पावर हम 4 ही लगाएंगे, ठीक है। आगे सॉल्व कर लीजिए, 8 × 4 कितना हो जाएगा, देखिए 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, मीन्स कि जो हमारा 8 का क्यूब होता है, ये देखिए 8 का क्यूब हमारा होता है 512, ठीक है। अब जब 512 में फिर से हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर कितनी लगी है, 4 लगी है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 2 = 16, 8 × 9 = 8, 1 × 9 और 8 × 5 = 40, कितना आ जाएगा, 40 × 96। मतलब इसका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा 40 और 96, बीच में हमारा प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। अब 7 × 4 हमको करनी है, अब देखिए यहाँ पे किया था 7 × 4, क्योंकि 7³ 343 होती है, और एक बार फिर से मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा, तो कितना निकल गया था उस टाइम, 24 × 1, तो ये हमारा कितना हो गया, 24 × 1, ठीक है। अब देखिए, अब आप चाहे इसका इकाई का अंक ले लीजिए, इसका इकाई का अंक ले लीजिए, भाई इकाई का अंक लेंगे, भाई इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक कितना है, इसका इकाई का अंक हमारा 6 है और इसका कितना है, 1 है, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल है तो हमने इकाई का अंक इसका ले लिया 6 और इसका ले लिया 1, भाई इसका 6 ले लिया, इसका हमने 1 ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 7, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया, 7, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है ये, ज्यादा सही है। आप इकाई का लेना है तो इकाई का ही लीजिए, बाकी सब जोड़ने की जरूरत नहीं, टोटल जोड़ लीजिए, 6 × 1 = 7 होगा, ऐसे ही क्लियर हो गया कि हमारा इकाई का अंक 7 हो गया। आप चाहे टोटल जोड़ के ले लीजिए, आप अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ इकाई का अंक ले लीजिए, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के ये ध्यान देना है कि जब भी 4 से हम घात को डिवाइड करेंगे और
जो हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है घात, ठीक है, तो हम 0 ना रखकर उसकी पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो अभी एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और है, वो भी मैं करा देता हूँ, बस उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो अभी कराते हैं वो टॉपिक, चलिए क्वेश्चन कराते हैं। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन कराने का एक पर्पज है कि इसमें थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होते हैं। इनमें इकाई का अंक जो हमको निकालना होता है वो थोड़ा अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले देख लिखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर ही देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ है 252 की पावर 38 माइनस 136 की पावर कितनी है 29 में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो प्रोसेस हमारा वही है, ठीक है। देखिए हमने 2 लिया, ठीक है, और 38। अब 38 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 36 होगा, तो शेष कितना बचेगा, 2। यानी कि जो हमारा शेष बचा वो कितना बचा, 2। अब शेष 2 बचा तो पावर कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। माइनस है, माइनस कर दिया, आगे क्या है, 6 कर दिया, ठीक है। अब पावर कितनी है, 29। फिर से देख लीजिए 29 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 टाइम जाएगा, ठीक है, 28। शेष पर कितना बचेगा, 1। शेष हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो पावर हम कितनी लगा देंगे, 1, ठीक है। घात को हमने फर्दर देखिए डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे ही मैंने पहले वाली घात को डिवाइड किया और जो शेष पर बचा उसको हमने पावर में लगा दिया। अब देखिए जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 6 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अब यहां पर बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देने की बात है कि अगर हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -2 का, ठीक है। अब सोचिए -2 कभी आपका इकाई का अंक हो सकता है, मतलब अगर -2 हमारा आया तो ये हमारा कभी इकाई का अंक हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे संख्या लिखी हुई है 2, 3, 4 और यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये जो हमारा इकाई का अंक है क्या कभी ये माइनस हो सकता है, भाई ये इकाई का अंक माइनस में कहाँ लिखा जाता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 4 है, मान लीजिए 1 है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया, तो इसके पहले की संख्या 4 है, तो जैसे माइनस के पहले 4 है तो इसके पहले कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसके पहले कुछ ना कुछ होगा मतलब 1/10, मतलब आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, 1 हमको 1 बढ़ा लेना है सिर्फ, कहते हैं ना वो दहाई लिया जाता है, इकाई दहाई लिया जाता है, तो वो वाला सिस्टम है कि मान लीजिए जैसे कोई संख्या हमारी लिखी हुई है, ठीक है, तो मान लीजिए वो इकाई, भाई इकाई का अंक लिखा है हमारा, लेकिन इकाई के पहले भी तो कुछ होता है ना, ठीक है, इकाई के पहले उसके पहले दहाई सैकड़ा हजार, तो वही हमको बोरो ले लेना है, उधार ले लेना है और हमको 1 लिख लेना है। हर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में हमको यही करना है। अब देखिए अब हमारा ये बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा हो गया, तो अब हमारा जब 14 हो गया, 14 हो गया, तो 14 से जब हमारा 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 8, ठीक है, यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा 8 हो जाएगा, ये वाला जो हमारा आंसर निकल गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा पहला ही सही है और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है आपको कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, देखिए हमारे 4 - 6 तो -2 आएगा आंसर, तो वो इकाई का अंक हमारा कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए हमने बोरो लिया और यहाँ पे 14 कर दिया। अगर यहाँ 6 होता तो 16 हो जाता, 7 होता 17 हो जाता, ठीक है, तो हमने जो बोरो लिया तो एक ही बोरो लिया जाता ना, तो यहाँ 14 हो गया, 14 - 6 कितना बचा, 8, यही हमारा आंसर हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे जो हमारे इकाई के अंक ज्ञात करने में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ये जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।